और वहीं कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर में सनसनी के बीच उल्लास है। लोग पल पल प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसकी बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही। श्री राम के ससुराल और मां जानकी की नगरी जनकपुर में भी जबरदस्त उत्साह। तस्वीरें नेपाल के जनकपुर मंदिर की हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मंदिर के साथ साथ पूरे जनकपुर को सजाया संवारा गया है। जनकपुर में राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राम तपेश्वर दास को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। हम लोग मिथिला में दीपावली मनाएंगे और धूमधाम से दियाबाती करेंगे और श्री राम जी का गृह प्रवेश है, उसके लिए हम लोग भी बहुत हर्षोल्लास से खुश है। हम लोग जनकपुर वासी 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उससे हम लोग बहुत खुशी हैं और खुशी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम भी रखे हुए हैं जानकी मंदिर में। नेपाल के जनकपुर से 500 से अधिक सजी हुई उपहार टोकरियाँ अयोध्या भेजी गई हैं। जनकपुर को सीता माँ का जन्म स्थान माना जाता है। नेपाल ने अपने नागरिकों से 22 जनवरी को आरती और विशेष पूजा करने के साथ साथ उस दिन शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री रोकने का आह्वान किया है। और वहीं अयोध्या में कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर न सिर्फ पूरे देश के राम भक्तों की नजर है, बल्कि काफी संख्या में विदेशी भी अयोध्या पहुंचे हैं। राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। भगवान राम की भक्ति अब पूरे विश्व में गूंजने लगी है। विदेशियों में भी रामलला के दर्शन की लालसा जाग उठी है। विदेश से भी काफी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने अंदाज में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय। विदेश से आने वाले राम भक्तों में अमेरिका से भी कई लोग अयोध्या पहुंचे हैं, जिनमें राम के प्रति गजब की आस्था देखी जा सकती है। I am just filled with joy about this Pran Pratishtha ceremony. I think it's fantastic. Hum sabhi Ram Bhakton hai. My name is Shri Krishna Chaitanya Swami. I am from America. प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए अमेरिका से आए इस राम भक्त का कहना है कि हमारे यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भजन कीर्तन और दीपावली मनाई जाएगी। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ऐतिहासिक और पवित्र अवसर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी राम भक्त जबरदस्त उत्साह में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की हैं, जहां जमकर आतिशबाजी की गई। जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल राम में नजर आया। साथ ही लोगों के हाथों में राम ध्वज देख कर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के सनातनियों में किस कदर उत्साह और उल्लास है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोग मंदिर में राम का भजन गाते नजर आए। कैलिफोर्निया के राम भक्तों का ये अंदाज देखते ही बन रहा है। राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे मां, राम मेरे आ जाओ। और अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लंदन में भी काफी हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतवंशी हिंदुओं ने विशाल कार रैली निकाली। एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ ब्रिटेन का झंडा और साथ में प्रभु श्री राम का ध्वज, भक्ति भाव से विभोर, मन श्रद्धा से सराबोर। संपूर्ण देश के साथ विदेश में भी राम भक्त कर रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां राम भक्तों ने एक शानदार कार रैली निकाली। कार रैली में प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ मूर्ति भी रखी गई। हम बहुत बड़ा फायरवर्क्स का डिस्प्ले यहाँ करेंगे और बहुत बड़ी आरती होगी, महा आरती होगी और हम सबको अच्छा, जैसे दिवाली का डिनर होता है वो हम सबको खिलाएंगे। साथ ही राम भजन से पूरा माहौल राममय हो गया। जय श्री राम के नारों के घोष से लंदन का माहौल गूंज उठा। लंदन में राम भक्त कुछ इस अंदाज में अपने प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का इजहार किया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं।